आज हम str फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन सी में कॉमनली यूज फंक्शन और जनरल यूज अदर यूज फंक्शन पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिकली, जो हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। आशा आपने थ्योरी वाला सेशन पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज रिवाइज कर लीजिए। हम सारे कुछ चीज फिर से रिवाइज करने वाले हैं, तो उसमें str len, str get, str CPI, STR CMP, STR STR, STR span, STR set और STR character पढ़ाने वाले हैं। तो इतने string function आज हम पढ़ाएंगे, देखते हैं कितने हम आज cover कर पाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि सब हो जाए। तो first है STR len। STR len means है कि आप array में string भी store कर सकते हैं और करेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो नल करेक्टर अपने आप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ करेक्टर ज़्यादा है तो अपने आप ले लेगा, और स्ट्रिंग करेक्टर जब स्टोर करेंगे तो उसको विद इन सिंगल कोट्स रखेंगे हर अल्फाबेट को, लेकिन दोनों की लेंथ सेम आएगी क्योंकि इसमें 7 करेक्टर हैं। तो चलिए इसको रन करके देखिए कि ये क्या आ रहा है। ये देखिए दोनों की स्ट्रिंग 7 आएगी क्योंकि प्रोग्राम में 7 करेक्टर है। अब हम लेते हैं दूसरा str cpi। cpi क्या करता है आपका, ये कॉपी करता है आपके स्ट्रिंग को, और कब ये कॉपी करता है, जब हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, समय आ रही थी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब हमको str cpi यूज करना पड़ता है, जैसा कि हमने str cpi पढ़ाते समय बताया था। तो str 225 जब लेंगे और उसको str 11 blank लेंगे, str 22 में वेलकम लेंगे। अब इतनी ढेर सारी स्ट्रिंग हम क्यों ले रहे हैं, जब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। पहला हम कॉपी करेंगे स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 को, कॉपीड स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2, तो क्या करेगा वो सी स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग पूरी str2 में कॉपी कर देगा। अब हमने दूसरी स्ट्रिंग ली जिसमें हमने वेलकम ले रखा और हमने कहा केवल 3 करेक्टर कॉपी करो, तो वो केवल 3 करेक्टर वेलकम में से वेल ले लेगा और उसको कॉपी कर देगा। तो दो तरह के cpi होता है, एक तो होता है str cpi, एक होता है str n cpi। n मीन्स है नंबर ऑफ करेक्टर, तो यहाँ पर हमने 3 करेक्टर्स दिए हैं। जब 3 करेक्टर्स देंगे तो वो क्या करेगा, 3 ही करेक्टर को कॉपी करेगा। अब इसको रन करिए देखिए क्या करता है वो। ये देखिए पहले में उसने सी स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग पूरा str2 में कॉपी कर लिया, और दूसरे में उसने क्या किया, वेलकम का वेल ले लिया। अगर हम नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ पे चेंज कर दें, इसको मान लीजिए 4 कर दें या 5 कर दें, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, ऑल्टर एफ एस किया और रन कर दिया। अब देखिए वेलकम की जगह वेलको ले लिया उसने। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को, नंबर ऑफ स्ट्रिंग को हम अलग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से। अब नेक्स्ट चलते हैं str cmp में। str cmp कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को, तो इसके लिए 3 आपको हेडर फाइल लेनी पड़ेगी और वेरिएबल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। पहले में हमने स्मॉल ए बी सी डी दिया, दूसरे में बिग ए बी सी डी दिया, और छोटे में तीसरे में स्मॉल ए बी सी डी दिया। और नेक्स्ट हमने लिया इंट रिजल्ट कॉमा एन, तो रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू और एन में इंटीजर वैल्यू आएगी। str 11 में वेल्डन लिया और str 22 में वेलकम लिया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और तब क्या रिजल्ट आएगा। तो इतनी ढेर सारी स्ट्रिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंपेयर करने में बहुत सा मैनिपुलेशन होता है जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले करेक्टर स्ट्रिंग 1 लिया ए बी सी डी, यहाँ पे आए पहली बार कंपेयर किया तो रिजल्ट क्या आएगा, str cmp str1 str2।
दोनों को कंपेयर करेगा तो पहली बार ए की वैल्यू जो है स्मॉल बड़ी होगी, 122 होगी और ए की 65 होगी, तो माइनस करके 32 आ जाए, 97 होगी स्मॉल ए की और इसकी 65 होगी, तो माइनस करके 32 आ जाएगा। जब दोनों कंपेयर होगा तो माइनस होकर रिजल्ट प्लस में आएगा। जब एसटीआर 1 और 3 को करेंगे तो दोनों सेम स्ट्रिंग है तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब हम सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी छोटा है बड़ा वाला, ए की कैपिटल ए जो होता है 65 होता है और स्मॉल ए जो होता है 97 होता है, तो माइनस हो करके वो माइनस 32 आ जाएगा। अब हम रिजल्ट निकालेंगे एस टी आर सी सी एम पी एस टी आर 2 और 3, ये आ गया माइनस 32। अब एस टी आर सी एम पी एस टी आर 11 एस टी आर 2 कॉमा 2, हमने कहा दो करेक्टर तक कंपेयर करो, तो वेल कम और वेल डन दो चीज है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टू और यहाँ पे एस टी आर 11 एस टी आर 2 को कंपेयर स्ट्रिंग अप टू द गिवन लेंथ, और किस लेंथ तक हम कंपेयर कर रहे हैं वो दे देगा आपको। और बाद में हमने क्या किया एस टी आर सी एम पी इग्नोर केस एन करेक्टर तक कंपेयर किया, और इसमें क्या किया तो वेल डन और वेल कम में तीन करेक्टर तक तो सेम है हम लोगों का, तो लेकिन अल्फाबेट छोटा बड़ा है और इसको यहाँ पे कर देते हैं वेल डन फोर्थ तक कर देते हैं, और इसको नीचे आए तो यहाँ पे इग्नोर केस कर रहे हैं तो इग्नोर केस में वो पूरा कंपेयर कर लेगा वेल डन और वेल कम में, लेकिन जहाँ पे वेल के बाद इस अल्फाबेट फर्क होगा वो वैल्यू फर्क कर देगा। तो इसको रन करें तो देखें क्या आता है। देखिए पहले में 32 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि अल्फाबेट ए छोटा होता है, फिर 0 आया फिर माइनस 32 आया, फिर ऊपर वाले में देखिए 32 आ गया, क्यों? क्योंकि वेल में वेल डन में स्मॉल डब्ल्यू है और वेल कम में बिग डब्ल्यू है, तो कंपेयर करने पे वो 32 दे देगा। कंपेयर स्ट्रिंग इग्नोर केस, अब वेल डन और वेल कम में 9 करेक्टर तक वो कंपेयर कर रहा है तो इग्नोर केस कर रहा है, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो पूरा उसको कंपेयर कर रहा है 448 और माइनस अरे बैक स्लैश एन दिया है हमने, इसको जीरो करें। क्योंकि नल करेक्टर है देखिए, ये पूरा कंपेयर करके इग्नोर केस किया इसलिए उसने पूरा कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को कंपेयर करके पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब पहली वैल्यू बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो जीरो आता है, और जब कोई एक वैल्यू बड़ी पहली वैल्यू छोटी और दूसरी वैल्यू बड़ी होती है तो निगेटिव वैल्यू आती है। अब हम लोग चलते हैं एस टी आर कैट करने, तो फाइल लिया और ओपन करेंगे STR CAT भी कई तरह से हम कर सकते हैं। STR CAT में क्या करेगा, वो दो स्ट्रिंग लिया हमको कॉन्कैटनेशन करेगा, हमने आपको बताया था कि दो स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं माइनस नहीं कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग एक दूसरे की तरफ आकर जुड़ जाती है, तो दो स्ट्रिंग हमने ली, बिफोर स्ट्रिंग क्या है और आफ्टर स्ट्रिंग क्या है,
ये पूरा हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो STR1 में है दिस इज, और STR2 में ट्रायल प्रोग्राम, और नीचे फिर आएंगे हम तो n करेक्टर कॉपी करेंगे। तो STR2 में 11 और STR2 लिया, 11 में हमने ब्लैंक कर रखा है और 10 करेक्टर मान के लिया है कि लेना है हमको, और इसमें 4 करेक्टर ही हम कॉपी कर रहे हैं। तो पहले में हमने तो 4 करेक्टर हम जब कॉपी करेंगे तो क्या आएगा इसको देखिए, और जब हम पूरी स्ट्रिंग कॉपी करेंगे तो क्या आएगा इसको देखिए। पहले में देखिए दिस इज अ ट्रायल प्रोग्राम पूरा जुड़ गया, STR1 दिस इज था और STR2 ट्रायल प्रोग्राम था, दोनों जुड़ करके ये हो गया। अभी इस समय STR2 तो ट्रायल प्रोग्राम ही है, लेकिन STR1 दिस इज ट्रायल प्रोग्राम आ गया। और कॉन्कैटनेशन करके STR11 में देखिए 3 करेक्टर हमने दिया था, तो STR2 से इसने 3 करेक्टर ट्राई ले लिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ करेक्टर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कॉन्कैटनेट करके किसी भी स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। और हमारे STR11 में ब्लैंक था, इसलिए 3 करेक्टर उसमें से 4 करेक्टर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राई के पहले ब्लैंक भी है, तो हमने 4 करेक्टर लिया, 3 बोल रहे थे हम, 4 करेक्टर लिया है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब आया हमारा, ओपन करेंगे लोअर पर और रिवर्स। तो यहाँ पे से कर लेते हैं जिससे गड़बड़ ना हो। नहीं रहा है वहां पर, आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग अगर हम बड़े में डालते हैं तो वो छोटी हो जाएगी, फिर उसी छोटी स्ट्रिंग को हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे। तो 3 कमांड हम यहाँ पे कर रहे हैं, STR lower, STR upper, STR raise। तो अब इसको रन करिए और देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तीनों स्ट्रिंग मांगेंगे, हमने स्मॉल में वेलकम डाला, तो देखिए स्मॉल में डालने पे बड़ा हो गया और फिर रिवर्स हो गया। तो 3 तरह का वो काम कर रहा है, पहले में लोअर कर दिया और दूसरे में लोअर कर रहा है, तो हमको बड़ा डालना पड़ेगा। रन करें फिर से, यहाँ पर बड़े में डालें वेलकम, अब ठीक हुआ। तो यहाँ पे लोअर कर देगा और वेलकम करेंगे और फिर रिवर्स कर देगा, वेलकम को उलट देगा। तो ये 3 अदर फंक्शंस में आते हैं, और आगे भी फंक्शन है जिनको हमको करना है। तो यहाँ पर अब आएगा STR SPN.C। अब STR SPN क्या करता है, ये करता है वो पोजीशन रिटर्न करता है जहाँ से स्ट्रिंग कंपेयर करने पे कॉमन नहीं होती है, गलत रहती है, तो वहाँ से स्ट्रिंग को ट्रंकेट कर दे, कंपेयर करना बंद कर देता है। तो हमने इसमें देखिए स्ट्रिंग डाल रखी है वेलकम और वेल डन, तो जब हम यहाँ पर और इंट एन लिया और CLR SCR किया, एन में हमने दोनों को STR SPN किया, फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग लिया, फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट मैच विद सेकेंड स्ट्रिंग ऑन पोजीशन एन, तो किस पोजीशन से वो मैच करना बंद हो गई है वो ये दिखा देगा। तो हम लोग ने पहली स्ट्रिंग वेलकम ली थी और दूसरी वेल डन ली थी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट मैच विद द सेकेंड स्ट्रिंग ऑन थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन क्यों लगा, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है, तो ये क्या करेगा वेलकम और वेल डन में जैसे ही डबल एल इधर आएगा, इधर सी आएगा, तो वो थर्ड पोजीशन दे देगा।
अब आया फंक्शन हमारा, ओपन करेंगे strchr डॉट सी। strchr डॉट सी जब हम लेंगे तो रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द करेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर str हमने वेलकम लिया, इसको फिर यहाँ पे जीरो कर दूं क्योंकि नल करेक्टर जीरो होता है। और clr str किया, पुटेस्ट किया str को कि वेलकम प्रिंट कर दे। फिर cp इक्वल्स टू, cp हमारा पॉइंटर है जो ये इसमें वैल्यू जिस करेक्टर से हम ले रहेंगे वो वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न करेगी सब स्ट्रिंग उस करेक्टर से। तो रिटर्न सब स्ट्रिंग परसेंट एस फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग एस। अब वेलकम दिया है, हमने कहा सी से जितनी स्ट्रिंग बची है वो रिटर्न कर दो। तो वो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो पॉइंटर में क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी कम। तो रिटर्न सब स्ट्रिंग कम फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग वेलकम। तो एसपीएन क्या करता है काम, एसपीएन काम करता है, strchr काम करता है जिस करेक्टर से आपका रिटर्न हो रही है सब स्ट्रिंग उतनी स्ट्रिंग वो पूरी दे देता है। नेक्स्ट आया ओपन करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम इसलिए बनाए कि हम मिक्स में बना देते, एक साथ बना सकते थे जैसे लोअर वाला बनाया था, लेकिन फिर आप लोग को समझ नहीं आया था। str set क्या करता है, आप जो भी वैल्यू टाइप करते हैं उसको उस करेक्टर से रिप्लेस कर देता है जो करेक्टर में हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसको जब इसमें क्या करेगा, देखिए दो एरे ली str, strn और ch लिया। ch वो करेक्टर है जिसमें हमको एरे की वैल्यू को रिप्लेस करना है। यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग किया, जितनी बड़ी आप स्ट्रिंग बनाइएगा उसको हमने कॉपी कर दिया strn में। strn में इसलिए कॉपी किया है कि आपको दिखा सके कि हमने क्या स्ट्रिंग इनपुट की, वेयर strn strn में रिप्लेस करेंगे, और str जो रीजनल स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेंगे। रिप्लेस बाय करेक्टर स्टार हो जाएगा, बाय करेक्टर सी कर देंगे, और क्या करेक्टर रिप्लेस होके आया वो दिखा देगा। तो जो रिप्लेस हो पाएगा वो पॉइंटर में आएगा। तो str strn ch कर देंगे, str str सेट कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंटर लिया ही नहीं, उसको ऐसे ही कर लिया, डायरेक्ट कर लिया है और उसको रन कर लिया। अब ये देखिए हमने यहाँ पे बड़ी सी कोई स्ट्रिंग अगर हम ले लेंगे तो वो इस पूरी स्ट्रिंग को स्टार में बदल लेगा। तो str स्टार में ये आपका str सेट कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है हमारा str क्या करेगा, str return the address from where the second string start in the first string। second string अगर जो हम देंगे वो first string में कहाँ से start हो रही है वो हमारा str से पता लग जाएगा। तो इसमें पहले देखिए हमने 20 करेक्टर की फर्स्ट ली और 10 करेक्टर की सेकेंड ली, क्यों, क्योंकि सब स्ट्रिंग तो छोटी ही होगी, और पॉइंटर cp लिया, फिर दोनों को को इनपुट करा लिया वैल्यू को, और फिर str किया तो फर्स्ट कॉमा सेकेंड कर दिया और cp में वैल्यू को रिटर्न करा लिया। अब यहाँ रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग इन str विथ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या हम देंगे, कोई भी स्ट्रिंग रन कराते हैं, फिर से वेलकम दे देते हैं और सब स्ट्रिंग कम दे देते हैं। तो ये देखिए दे देगा रिटर्न कम फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग वेलकम स्टार्ट विथ कम।
अब यहाँ पे करेक्टर सी भी दे देते तो भी वो करता, देखते हैं करता है कि नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वेलकम सी, ये देखिए तो सी करेक्टर दे देंगे तब भी वो क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा उस जगह से। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन आ गए होंगे, और नहीं आए तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में पूछिए, और मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिल सके। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को कॉपी को फॉलो कर लीजिए, मेरे कम्युनिटी को जाके वीडियोस में पोल्स में कमेंट करिए और वीडियो में कमेंट करिए, और अपने क्वेश्चन को पूछ के, क्यूरी को पूछ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आप लोग की डिमांड पे हमने सी शुरू किया था, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर बहुत इंटरेस्ट ना हो तो आगे हम कंटिन्यू ना करें, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोग ने रिक्वेस्ट की है तो उसको देखिए भी और फॉलो करिए, जिससे कि आगे की टफ चीज़ें पीछे की इजी चीज़ सीखने से आ पाएंगे। थैंक यू व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।